जी अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोत्साहन मिलता है इस तरीके से, मुझे लगता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो और आगे आने वाले नए क्रिएटर्स भी हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन होगा इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड के चलते। मैं जिस तरीके से जानता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड UPI इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया। आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है, और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं, सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है। और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा UPI ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है, और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्ज्वल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते, और मैंने जब वहां की टिकट UPI से खरीदी तो बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। जो प्रोत्साहन मिलता है इस तरीके से, मुझे लगता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो और आगे आने वाले नए क्रिएटर्स भी हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन होगा इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड के चलते। लेकिन जिस तरह से अवार्ड मिला है, जी, आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री इस तरह से आएंगे, आप जो काम कर रहे हैं आपको सम्मानित करेंगे और इस तरह से सम्मानित करेंगे? सर, बिल्कुल सोचा था, अगर मैं आपसे सही बात करूं, बिकॉज मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं, और मुझे मतलब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी पिछले 2-3 सालों से कि शायद जल्दी ही सरकार जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा तो करने वाली है, और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वो सच हो रहा है।